नाज़रीन इस वक्त इस्लामाबाद में ऑर्च मार्च जो है ऑर्च मार्च का इफ्तिताह हो चुका है। तमाम जो है मार्च के शुरका इस वक्त एक्सपेक्स चौक पर मौजूद है। आज ख़वातीन का आलमी दिन है, इसी हवाले से मैं बात करूंगा। मैम क्या कहेंगी, चूँकि आज पूरे आलम में जो है ख़वातीन का ये दिन मनाया जा रहा है और टिपिकली इस मार्च के हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं पहले तो औरतों के दिन के बारे में कहूँगी। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यकीन करें हर कामयाब औरत के पीछे आगे दाएं बाएं वो खुद ही खुद होती है। तो आई थिंक एक वाहिद दिन है जिसमें औरत अपने आप को सेलिब्रेट करने निकलती है, तो हमें इसको मोटिवेट करना चाहिए। चाहे आदमी है, चाहे औरतें हैं, चाहे ट्रांसजेंडर हैं, हर कोई औरत की एग्जिस्टेंस को और इसकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि औरत ने हमेशा जद्दोजहद करते हुए अपने मकाम बनाने की कोशिश की है, और आज अगर औरत एक ऐसी सतह पे है जिसमें हम देखते हैं कि हर शोबे में खातून जो है वो सरे फहरिस्त है और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स उसकी है, उसने अपनी कोशिश मेहनत से ये एक हासिल किया है, हक हासिल किया है। आज की जो मार्च के हवाले से मैं बात नहीं करती, मैं औरत की मजमू तरक्की की बात करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि औरत को एक इंसान के तौर पर लेते हुए उसके जो हकूक़ हैं, उसकी ज़िंदा रहने के जो हकूक़ हैं, उसके इंसानी तौर पर जो हकूक़ हैं, उसकी बात की जानी चाहिए। और हर शख्स जो है वो उसको जानना चाहिए कि ये तख़सीस नहीं है, अल्लाह ताला ने औरत मर्द जो पैदा की है, औरत को आप क्यों कमतर समझते हैं? आज हमारा जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे है, जिसके ऊपर हम सॉलिडारिटी में पाकिस्तान के जो काफ़ी शहर हैं उसमें औरत आज़ादी मार्च के नाम से एक मार्च निकालते हैं, जिसको हम एक सेफ स्पेस बनाते हैं कि जिसमें जिस औरत को, जिस समाज का कोई भी पर्सन है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी वायलेंस, कोई हरासमेंट सही है, तो हम कहते हैं आप आएँ, एक सेफ स्पेस है, आप उसको चार्ट पे लिख के लाएं, आप उसको पोस्टर पे लिख के लाएं, और हम यहाँ मिल के अपना जो ये जो पितरशाही निज़ाम है, जो औरत के ख़िलाफ़ है, जो गरीब तबके के ख़िलाफ़ है, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है, हम लोग उसके ख़िलाफ़ आज आवाज़ उठाते हैं। मैं तो बस इतना कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ सारी मार्च के पार्टिसिपेंट्स सही सलामत पहुँच गए हैं। तादाद कोरोना के बावजूद, थ्रेट्स के बावजूद फिर भी लोग आए हैं, तो उस लिहाज से हम लोग बहुत खुश हैं। आज जो औरतों के हकूक़ की जहाँ तक बात है, हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स काफ़ी डिटेल्ड है, वो औरत आज़ादी मार्च के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, आज हमारा आलमी दिन है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये एक दिन औरतों के लिए मुख्तस नहीं होना चाहिए। औरतों का तो हर दिन ही होता है और हर दिन ही हमारा है। आज बहुत खुशी है कि हम यहाँ पर जमा है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हर साल हम लोग आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, लेकिन जो हुकूम हमारे औरतों को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। जो हमारी मार्च है ये हम हर साल करते हैं, हम पूरा साल भी सियासत करते हैं, लेकिन इस एक दिन पे हम स्पेसिफिकली औरत के सवाल की बात करते हैं। औरत के सवाल की जब हम बात करते हैं तो वो अलग नहीं है, हम समझते क्योंकि हमारा जो तज़िया है वो हमारी सियासत से भी जुड़ा है कि औरत का सवाल माशरे से जुड़ा हुआ है, मईशत से जुड़ा हुआ है, पेदरशाही से जुड़ा हुआ है, सरमायादारी से जुड़ा हुआ है।